नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो है दोस्तों फ्लोफिडिक्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे फ्लोफिडिक्स क्या है। आप यदि स्टूडेंट है तो आपने कभी फ्लोफिडिक्स का नाम सुना होगा। तो आज हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं आखिर फ्लोफिडिक्स होती क्या है। दोस्तों जैसा कि आप पेन ड्राइव देखते हो, पेन ड्राइव का काम होता है एक स्थान से हम डाटा दूसरे कंप्यूटर में, स्थान या कह सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले लाने ले जाने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं यदि हमारा कंप्यूटर किसी एक स्थान पर रखा हुआ है तो उसको हम एक स्थान से डाटा को किसी अन्य जगह पर ले जाना है तो वहाँ पर भी हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोपी डिस्क सिंपल से यही है। जब पेन ड्राइव नहीं थी तब वहाँ पर फ्लोपी डिस्क का यूज किया था। फ्लोपी डिस्क में यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें केवल MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। MB भी कितनी, 2 या 4। लेकिन जहाँ पेन ड्राइव तो TB तक होती है, यहाँ हमें कितना डाटा इसमें हम रख सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। तो फ्लोपी डिस्क एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस थी जो MB में थी, जो जिस समय पेन ड्राइव नहीं थी वहाँ पर फ्लोपी डिस्क का यूज किया जाता। दोस्तों बात करें तो फ्लोपी डिस्क के निर्माणकर्ता IBM है, जो इंटरनेशनल बिजली मशीन कंपनी है, जिन्होंने फ्लोपी डिस्क को बनाया। ठीक है दोस्तों, अब बताया जाता है कि इसके अंदर 1.4 MB मेगावाइट से लेकर 2.5 MB तक ही डाटा भरा जा सकता था। फ्लोपी डिस्क एक ऐसी डिस्क थी जहां से हम MB में डाटा लेकर किसी कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में डाल सकते थे। हम ले जा भी सकते थे और डाटा भेज भी सकते थे। तो जब पेन ड्राइव नहीं थी तो उस समय फ्लॉपी डिस्क का चलन था। दोस्तों साइज की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंचिस की आती थी, एक 5.25 इंचिस की आती थी। तो फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो उस समय पहले पेन ड्राइव नहीं थी तो फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था डाटा को लेने या ले जाने या कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों ये था फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।